बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष एवं कांगड़ा चंबा प्रत्याशी डॉक्टर केहर सिंह राणा ने धर्मशाला में आयोजित पत्रकार वार्ता में प्रदेश स्तरीय मुद्दों को साझा करते हुए बेरोजगारी को एक अभिशाप बताया। पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने पर बल देते हुए उन्होंने कहा कि पार्टी सत्ता में आती है तो पुरानी पेंशन योजना को तुरंत लागू किया जाएगा। चुनाव प्रचार के बारे में जानकारी देते हुए उन्होंने कहा कि बहुजन समाज पार्टी के प्रचार के लिए सांसद राजा राम हिमाचल आएंगे और 4 रैलियां आयोजित की जाएंगी। गौरतलब है कि केहर सिंह पेशे से वैज्ञानिक हैं और विश्व बैंक के कंसल्टेंट भी हैं। वे कनाडा में अपनी सेवाएं दे चुके हैं और अपने हुनर का लोहा भी मनवा चुके हैं। कनाडा और भारत की राजनीतिक फर्क के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने बहुत ही बढ़िया जवाब भी दिया। मंडी के पड्डल मैदान में विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिमाचल को अपनी कर्मभूमि बताया। उन्होंने मंडियाली बोली में कहा कि आज आऊं एक बड़ी फ्री तोहांदा आशीर्वाद लेने आया। मोदी ने कहा कि उन्हें हिमाचल के लोगों से जुड़ने का अवसर मिला है। हिमाचल ने सदैव ही उनका ख्याल रखा है। उन्हें हिमाचल के किस्से हमेशा याद रहते हैं। मंडी की सेपू बड़ी उन्हें बहुत याद आती है। उन्होंने कहा कि अगली बार आऊंगा तो पैक करके लेके जाऊंगा। मोदी ने कहा कि हिमाचल के लोगों की आत्मीयता मेरे जीवन के साथ है। बोले, हिमाचल के चप्पे चप्पे पर मेरा अधिकार है और हिमाचल के हर इंसान पर प्यार का अधिकार है। मोदी ने कहा कि उन्होंने हिमाचल में पैराग्लाइडिंग सीखी है और हिमाचल की खुश भरी जिंदगी और आसमान की उड़ान का रोमांच भी आज तक नहीं भूले हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि 23 मई के बाद रोहतांग टनल का उद्घाटन करने वे बतौर प्रधानमंत्री आएंगे। उन्होंने कहा कि अपने घर में मुझे मान सम्मान मिला है। हिमाचल ने मुझे बेटे की तरह संभाला है। हिमाचल के वरिष्ठ नेताओं की ओर इशारा करते हुए मोदी ने कहा कि इन्हें मुझे उंगली पकड़कर चलना भी सिखाया है। बीते दिनों वीरभद्र सिंह का बड़ा चौक में हुई रैली पूरी तरह फ्लॉप साबित हुई थी। कांग्रेस नेता छोटे से बड़ा चौक में भी भीड़ जुटाने में असमर्थ थे, जिसको छुपाने के लिए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर समेत जिला सिरमौर के प्रशासनिक अधिकारियों पर अनाप शनाप बयानबाजी की, जो उनकी वरिष्ठता के स्तर को देखते हुए शोभा नहीं देती है। ये टिप्पणी जिला भाजपा के अध्यक्ष विनय गुप्ता ने की। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन के अधिकारी जनता की सेवा के लिए होते हैं। उनके खिलाफ वीरभद्र सिंह ने जो शब्द प्रयोग किए थे वे सही नहीं हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस अपनी नाकामियां छुपाने के लिए ऐसी अनाप शनाप बयानबाजी कर रही है, जिसके लिए उन्हें माफी मांगनी चाहिए। उन्होंने कहा कि वीरभद्र सिंह पर बढ़ती उम्र का असर देखने को मिल रहा है। उन्हें कब कहां क्या बोलना है इस बारे में उन्हें याद नहीं रहता। वे प्रचार के दौरान अपनी ही पार्टी के नेताओं के खिलाफ भी बोलना शुरू कर देते हैं। बीते दिन रैली में भीड़ न जुटा पाने की नाकामी छुपाने के लिए इस तरह की बयानबाजी की जा रही है। उन्होंने कहा कि भाजपा ने चौगान मैदान रैली के लिए बकायदा कानून व नियमों के तहत परमिशन ली थी, जिसके लिए सभी औपचारिकताएं पूरी कर ली गई हैं। उन्होंने कहा कि रैली की अनुमति जिलाधीश से नहीं बल्कि एसडीएम से लेनी होती है, लेकिन वीरभद्र सिंह शायद ये भूल गए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने भी चौगान मैदान में भीड़ जुटाने का साहस नहीं दिखाया और न ही कभी रैली के लिए इसे बुक करवाया है। अगर वीरभद्र सिंह को चौगान में रैली से इतनी ही दिक्कत थी तो पहले कांग्रेस की रैली के लिए नियमानुसार चौगान बुक करवा लेते, लेकिन ऐसा कोई आवेदन उनकी तरफ से नहीं हुआ था। सोलन के टैंक रोड पे रेत ले जा रहे एक ट्रक की ब्रेक फेल हो गई। जब ब्रेक फेल हुई तो वे खड़ी चढ़ाई में पानी के टैंकर के पास सेरी गांव रोड की तरफ जा रहा था। अचानक ब्रेक फेल होने की वजह से चालक ट्रक पर नियंत्रण खो बैठा और ट्रक पूरी रफ्तार से पीछे की ओर आ गया और एक गाड़ी को रौंदता हुआ सड़क पे जा पलटा। इस घटना में चालक गंभीर रूप से घायल हुआ है। प्रत्यक्षदर्शी और कार के मालिक ने बताया कि वो कुछ ही देर में घर से निकलने वाले थे, लेकिन जब वे अपनी गाड़ी के पास आए तो पाया कि गाड़ी ट्रक के नीचे आकर पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुकी है। उन्होंने बताया कि ये दुर्घटना बड़ी भी साबित हो सकती थी, क्योंकि कुछ ही देर में
पास के स्कूल में छुट्टी होने वाली थी और अगर कुछ देर बाद ये घटना घटती तो बच्चे भी ट्रक की चपेट में आ सकते थे। प्रत्यक्षदर्शी महिला ने बताया कि जब ये घटना घटी तो पाया कि ट्रक का चालक गंभीर रूप से घायल था और ट्रक के बीच में फंसा हुआ था। तब ट्रक का शीशा तोड़कर उसे बाहर निकाला गया। ट्रक की चपेट में वाहन तो आया लेकिन सुखद बात ये रही कि इसमें कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। चोर तो ड्राइवर था, उसको लगी, उसको तब आगे से सीन निकले ना, शीशा तोड़ा आदमी ने, ऊपर से भैया घास वाली भाभी है उसने भी बेचारे ने राड़ी मारी, उसने ऊपर से भैया बुलाए भाई जल्दी आ जाओ नीचे आदमी है, और उसमें आदमी आ गया उसके नीचे गाड़ी में, तो उसने भी राड़ी मारी बेचारे ने बहुत, मैंने भी, तो उन्होंने आगे से तोड़ा तब तो उसको खींच के बाहर निकाला बेचारे को।